वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में एक जो फेस के बेसिक पार्ट्स होते हैं पोर्ट्रेट बनाने के लिए, तो उनको ड्रॉ करेंगे। उनमें से जो मेन पार्ट है फेस का, आई, आज हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो बाकी पार्ट्स हैं वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। तो आई ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने एक प्लस का मार्क लेना है, उसके बीच में एक सर्कल लेना है और सर्कल के ऊपर से आपने कर्व लाइन लेनी है। आप सर्कल के दोनों साइड मार्क भी कर सकते हो ताकि जो दोनों का प्रोपोर्शन है इक्वल आए। मैं यहाँ नहीं कर रहा, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आइडिया से भी कर सकते हो। तो जब नीचे वाले सर्कल के हिस्से में कर्व लाइन आपने ड्रॉ करनी है तो ऊपर वाला जितना डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम रखना वहाँ पे। तो ड्राइंग करते टाइम आपने उसको पूरा टाइम देना है ताकि जो ड्राइंग है वो प्रोपोर्शन में आए, क्योंकि ड्राइंग करने अगर ड्राइंग गलत हो गई तो उसकी जितनी मर्जी अच्छी शेडिंग करो आप, तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। और इतनी मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा ना आए तो ठीक नहीं लगता है। तो आपने इसके लिए ड्राइंग बिल्कुल केयरफुली प्रोपोर्शन में करनी है। और जैसे जैसे आप ड्राइंग करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, तो आप उसमें शेडिंग भी उसी टेक्निक से आपने करते जाना है। तो सबसे पहले ड्रॉ ही करना है, आपने इसको अच्छी तरह ड्रॉ कर लेना है। ड्राइंग करने के लिए जैसे जब हम आंख, आज की ड्राइंग में आंख बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ अलग तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ अलग से डिज़ाइन लगा लो या कुछ पैटर्न मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपने भी उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद जो अंदर का सर्कल है उसको जहाँ जहाँ से हमें डार्कनेस चाहिए तो वो उसको हमने डार्क कर लेना है। पहले हमने लाइट पेंसिल से ये डार्कनेस लानी है, फिर नीचे का पैटर्न जो है हमने वो ड्रॉ कर लेना है। जैसे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो ये ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो कुछ दूसरा भी, लेकिन अगर आप इसको देख के ड्रॉ करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा पैटर्न को समझना और शेड करना। तो जब ये ड्रॉ कर लेना है तो यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आपने इसको शेड करना है पेंसिल के साथ। लाइट पेंसिल यूज़ करना है पहले, बाद में हमें जब डार्कनेस चाहिए होगी तो हम तब डार्कनेस के लिए वो दूसरी पेंसिल यूज़ करेंगे। इस तरह बाहर से अंदर की तरफ इसको शेड कर लेना आपने। फिर जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करके आपने इसको ड्रॉ करना। आप इसको जूम करके भी ड्रॉ कर सकते हो, या चाहो तो जो लास्ट में जब वीडियो बन जाएगा तो उस वहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वहाँ से इसको ड्रॉ करना और वहाँ से इसको शेड करने की कोशिश करना है। पैटर्न यहीं से देखना कि मैं कैसे शेड कर रहा हूँ, लेकिन ड्रॉइंग आप वहाँ से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर चाहो तो आप अपनी भी कोई इमेज ले सकते हो, तो उसको आप इमेज को अपने हिसाब से आप शेड कर सकते हो। लेकिन ये अगर आप इसको देख के शेड करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि शेडिंग हमें किस वे में करनी है। तो यहाँ से दोनों तरफ से करना है, पहले नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे तरफ। और इसमें मैं वाइटनेस जो है मैं पहले ही छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हो इसको वाइटनेस नहीं छोड़ना चाहते, तो उसके बाद आप बाद में इसको इरेजर के समूह जो मोनो इरेजर है उस या नीडेड इरेजर उसके साथ भी उसकी जो हाइलाइट्स निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट लाइन जो है वो पहले ही छोड़ रहा हूँ। जैसे कि आई जो आँख का अंदर का सर्कल है उसमें भी मैंने वाइट स्पेस पहले ही छोड़ दिया है। अब ऊपर वाली जो आँख का हिस्सा है इसको हल्का सा डार्क कर लेना है कि दोनों में जो डिस्टेंस एक क्रिएट हो जाए। तो जो हमने देखी, हमने पेंसिल जो अंदर बाउल है वो बिल्कुल लाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है। इसके बाद हमें जहाँ जहाँ उसकी ये डार्कनेस चाहिए होगी तो हम वहाँ पे वो डार्कनेस अप्लाई करेंगे। तो लाइट टू डार्क आपने इसको शेड करना है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। आप रेगुलर इसको करोगे तो ड्राइंग आपको बिल्कुल हाथ में आपका जो पकड़ है आपकी पेंसिल पे बिल्कुल हो जाएगी, कमांड आ जाएगी आपकी और परफेक्शन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन ये है कि इसको करते रहना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे करते रहेंगे तो
वैसे ही इसकी आपकी जो परफेक्शन है वो बढ़ती जाएगी और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो काम करने से आएगा, देखने से खाली कुछ नहीं होगा। जिसको भी ये ड्राइंग सीखना है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। कोई भी काम हो, कोई भी आर्ट हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे हम ब्रश ले सकते हो, आप ब्रश के साथ मर्ज कर सकते हो, ब्लेंडिंग टूल के साथ मर्ज कर सकते हो, ईयरबड के साथ या टिश्यू पेपर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। तो धीरे धीरे वन बाय वन हमने लेयर के साथ चलना है, एकदम से डार्कनेस नहीं लानी है। धीरे धीरे जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए होगी वहाँ वहाँ हम इसकी डार्कनेस लाने की कोशिश करेंगे। तो पेंसिल को आपने लाइंस लगा के जो उसको हल्का सा शेड करके फिर ब्रश के साथ आप मर्ज कर सकते हो। तो आज का वीडियो हल्का सा थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि अगर आपने डिटेल में वर्क करना है या सीखना है तो उसके लिए वीडियो हमें लंबा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब तक आप देख ही चुके हो कि आईज का जो एक आंख बना रहे हम उसका एक ही इतना हिस्सा ही बना है इतने टाइम में, तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपको अच्छा क्वालिटी देनी है। अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और अगर खाली देखना ही है तो उसके वो तो फिर आपको शॉर्ट देखो, उसमें भी आपको ठीक लगेगा लेकिन उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसमें साथ में अपने ब्रश या किसी भी ब्लेंडिंग टूल के साथ हल्का हल्का मर्ज करते जाना है। अभी यहाँ पे हमने नीडेड, मैं यहाँ पे नीडेड इरेजर के साथ, तो यहाँ से मुझे वहाँ यहाँ पर मुझे वाइट स्पेस चाहिए था, तो आप नीडेड इरेजर के साथ ये यहाँ पे इसको इरेज कर सकते हो। अगर चाहो तो आप ये चीज़ पहले भी छोड़ सकते, वाइट छोड़ सकते हो। तो मैंने पहले वाइट जगह नहीं ये छोड़ी थी, तो इसलिए मैंने नीडेड इरेजर के साथ यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। अब दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आई बाउल के ऊपर दो परत आ गई हैं, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे। इसी के लिए मैंने नीडेड इरेजर के साथ इसको, आप मोनो इरेजर के साथ भी कर सकते हो, या आप शुरू में ही इसको वाइट छोड़ दो, वहाँ पे वो वाला एरिया वाइट छोड़ दो ताकि आपको इरेज करना ही ना पड़े। इसके बाद आप डार्क पेंसिल लो, 4B 6B, या मैं तो 10B यूज़ करता हूँ। अगर आपकी पेंसिल पे कमांड है तो आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो उसको डार्क पेंसिल के साथ हल्का हल्का वो पोर्शन डार्क कर लेना है, क्योंकि ये रियलिस्टिक आई है तो इसके लिए हमें स्मजिंग टूल चाहिए। तो स्मजिंग टूल के लिए आप एयरबड, ब्लेंडिंग टूल, टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, और ब्रश की हेल्प से, ब्रश से काफ़ी स्मूथनेस आती है शेडिंग में। मोनो इरेजर आपने जब यूज़ करना है उसको इरेज करने के लिए, तो अच्छी क्वालिटी का लेना है जो नॉन डस्ट हो, ताकि पेपर को डस्ट ना करे और इजीली आप वो उसको इरेज कर पाए। इस तरह से आप देख रहे हो आई बाउल के ऊपर हमारी दो लेयर्स हो गई हैं। तो पेंसिल के आप इससे शेड कर देना अच्छी तरह, क्योंकि वीडियो काफी लंबा था फिर भी मैंने इसको शॉर्ट किया, फिर भी जब 17 मिनट्स का लगभग हो गया। तो अच्छी ड्राइंग के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमने आईब्रो के लिए हल्की सी इसकी आउटलाइन निकाल लेनी है, और इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश के साथ इसको हल्का सा स्मज कर लो। और ब्रश के साथ इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसका जो ब्लेंडिंग है वो ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जानी है, जिस तरफ हमने लाइट करना है उसी तरफ लेते जाना है इसको।
यहाँ पे आप पेंसिल से हल्का हल्का शेड कर लो। आप जो ड्राइंग करना है वो समझ कर करना है, आपको समझना है, देखना है, समझना है और फिर उसको फॉलो करना है। खाली मेरे को सुनने से कुछ नहीं होगा, आपने उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है फिर उसको ड्रॉ करना है। अब आई के नीचे वाले हिस्से में हम पेंसिल के साथ हल्की हल्की शेडिंग कर लेंगे। आप किसी भी की आँख में देखोगे, किसी की भी इमेज में देखोगे या कहीं भी देखोगे तो आपको दोनों आँख के ऊपर और नीचे जो डार्क स्पेस हैं या लाइट रिफ्लेक्शन है सब कुछ नज़र आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है और क्या कितने ध्यान से देखते हो। जितना आप ध्यान से देखोगे ये सारी डिटेल्स आपको नज़र आएंगी। और ये इसका ध्यान रखना है कि लाइट कितना है और डार्क कितना, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। लाइट और डार्क का ध्यान रखते हुए आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ जो आई बाउल का आउटर एरिया है उसको हल्के से पेंसिल के साथ डार्क कर लेना है, और यहाँ पे अंदर वाले हिस्से में भी जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए तो डार्क पेंसिल यूज़ करनी है हमने, तो उसको हल्का हल्का डार्क करता जाना। डिपेंड करता है कि अब वहाँ पे डिमांड कितनी है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी आईलैशेस ड्रॉ कर लेनी है। आईलैशेस जब भी ड्रॉ करनी है तो पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो जहाँ पे आप ड्राइंग छोड़ोगे तो बिल्कुल वहाँ पे शार्प पॉइंट आएगा उसका। तो यहाँ से हमने लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो हमारा पेंसिल का होगा, लेकिन ये वाला जब एरिया आएगा तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला है तो यहाँ पे इसको हल्का ब्लेंड कर लिया आपने। तो आपने ध्यान रखना है कि किस तरफ इसकी जो पेंसिल की जो लाइनिंग है किस तरफ आएगी, जो पेंसिल के स्ट्रोक्स को ध्यान रखना है। अब जैसे हमने यहाँ पे आईब्रो को हल्का सा शेड कर लिया था, अब पेंसिल का आपने स्ट्रोक का ध्यान रखना है कि किस तरफ जा रहा है ये पेंसिल का स्ट्रोक। एक दो स्ट्रोक भी आपकी समझ में आ गए तो बाकी आपने खुद कर लेने हैं, लेकिन रेगुलर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करके आपने इसको देखना है। और ब्रश के साथ आप मर्ज कर लो, देखकर समझकर आप जब इसको करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। ब्लेंडिंग टूल के साथ आप इसको मर्ज करते जाओ। अब जहां नीचे वाला इस एरिया हमें डार्क चाहिए तो वहां पे हम डार्क पेंसिल के साथ ये शेडिंग करते ही जाएंगे। बस आपको पैटर्न में ध्यान रखना है कि शेडिंग किस तरफ लेके जानी है। आप गूगल से भी कोई भी आई ले सकते हो तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि शेडिंग किस तरफ से जाएगी। स्मजिंग जाएगी, हैचिंग जाएगी या स्क्रबलिंग जाएगी, कोई भी जो भी आपने करना है तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन सी शेडिंग जो आप यूज़ करके इसको बना सकते हो। आप चाहो तो आईलैशेस यहाँ पे थोड़ी थिक भी रख सकते हो और इसके स्ट्रोक का ध्यान रखना है। ये देखिए स्ट्रोक पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जो जो स्ट्रोक है वो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और कॉन्फिडेंस करके ही आएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो आपको जितना स्पेस डार्क चाहिए, जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क पेंसिल के साथ हल्के हाथ से आपने इसको शेड करना है, और जहाँ बिल्कुल ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ पेंसिल को थोड़ा प्रेशर डाल के फिर उसको शेड करते रहना है। तो इस तरह की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट भी डालता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में कमेंट करना ज़रूरी है कि मुझे आपको क्या क्या ट्यूटोरियल देना चाहिए और आपको क्या वीडियो या किस तरह का ड्राइंग ट्यूटोरियल सीखना पसंद है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अभी तो दो तीन चार जो ट्यूटोरियल हैं वो तो यहीं पे चलेंगे जो बेसिक पार्ट हैं फेस के। इसके लिए मैंने लाइव ड्राइंग ट्यूटोरियल भी बनाए हुए हैं। आप चाहो तो जो मेरे चैनल पे जो लाइव है सेशंस वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बिल्कुल मैंने बिल्कुल स्लो में है वहाँ पे, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके देख लो।
और वहां से भी बिल्कुल आपको इजी हो जाएगा देखना। वैसे तो इसमें ही आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसमें जाके देख सकते हो। और थोड़े दिनों में हम एक ड्राइंग का कंपटीशन भी लेके आने वाले हैं, तो जो जिसकी एंट्री फीस कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपने अप्लाई उसको, हम आपको बता देंगे कि टॉपिक कौन सा है, उसी टॉपिक को आपने बनाना है। और जिसकी उसके पास दो कैटेगरीज हैं उसमें, तो जो कैटेगरीज और कब होना है और कौन सा टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपके पास ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन का हम टाइम देंगे, तो उसमें आप जो भी जो ड्राइंग या टॉपिक हमने दिया होगा आप उसको ड्रॉ करो और हमें सेंड करो, और जो आपके उसके प्राइजेज होंगे वो आपको घर पे ही आपको पहुँच जाएंगे आपके पोस्टल एड्रेस पे। तो इसके लिए आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक एंड शेयर करो ताकि और भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पे आप नीडेड इरेजर भी यूज़ कर सकते हो इसकी हाईलाइट देने के लिए। किसी दिन में इनके इसके टूल पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये लगभग हमारा आज का ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।